तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ऋषि बटन स्टोर में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमने जो है 42 दिन के बाद जो है बेटर गार्ड यानी कि करेले की बेल हमारी थोड़ी बढ़ चुकी है, और इसके लिए हमने आपसे किया कहा था कि हम जो है सीमेंट का कट्टा या प्लास्टिक का किसी भी तरीके की बोरी इस्तेमाल करेंगे, पर नहीं, हमने वो प्लान चेंज कर दिया। और यह हमें जो है थर्मोकोल की जो पेटी होती है, ये मछली वाली जो होती है जिसमें मछली बिकती है, बर्फ़ लग के जो आती है, हमने वो ख़रीदी है। ये उसे हम जो है यूज़ करेंगे दोस्तों, और हमने इसमें तिहाई हिस्सा भरी है मिट्टी, और चौथे तिहाई से भी थोड़ी कम भरी है, 60% के करीब, 60-65% के करीब हमने मिट्टी भरी है। बाकी खाली रहने दी है वो इसलिए क्योंकि दोस्तों क्योंकि लोड हो जाएगा तो ये हो सकता है फैल जाए, बट अभी तो मजबूत है ये, काफ़ी अच्छे से इसमें मिट्टी भर दिए मैंने। और इसे देख सकते हैं, ये मेरी जो है करेले की बेलें जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी, और कुछ बेलें मैंने दूसरे एक गमले में ट्रांसप्लांट कर दी हैं फ़िलहाल, अभी उन्हें बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ, और ये अच्छे से देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी रूट निकली हुई है, नीचे जड़ें इसकी। और ये दूसरा वाला जो हमारा है पौधा, ये भी काफ़ी अच्छे से जो है ग्रोथ कर चुका है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। निकालते टाइम थोड़ी सावधानी बरतें, न जड़ों को इसकी काट ना दें। और ये दूसरा जो है हमारा भिंडी के ये पौधे हैं, और इसकी वीडियो भी मैं आपको जल्दी दूंगा भिंडी के पौधों को, क्योंकि इन्हें भी मैं गमलों में ही ग्रो करूँगा इनको तो। और इसे जो है मैं थर्माकोल के जो है मैं पेटी में इसे बॉक्स में लगाऊंगा दोस्तों अभी फ़िलहाल। तो जैसा कि ये देख सकते हैं मिट्टी को जो हमने मिलाया था, इसमें एक हिस्से जो है मेरी कंपोस्ट है और 3 हिस्से जो है गार्डन सॉयल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसे लगा दिया है, और इसमें समय समय पर हम इसे फर्टिलाइज़र भी देते रहेंगे। और इसके लिए अभी हम जाल बनाएंगे प्लास्टिक का छोटा सा, और इसके लिए आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से मैं जाल बनाऊंगा वो, और कितना शानदार बनेगा वो, और किस तरीके से इस पर जो है सब्ज़ी आएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप भी लगा सकते हैं ना, बड़ा इजी है ये, और ये बड़ी आसानी से पेटी मिल जाती है ये, बल्कि आसान है, गमले के बजाय आप इसमें लगा लें, इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और काफ़ी बड़ा है इसका साइज़। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से हम पानी थोड़ा सा देके इसे छोड़ देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।